वेलकम दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं जीके का एक सेशन। आज मैं आपको रिकॉर्डेड मीन्स में दे रहा हूं प्रेसिडेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। इंडिया का प्रेसिडेंट क्या करता है, कैसे करता है, कौन से आर्टिकल्स रिलेटेड हैं और कौन कौन सी पावर्स हैं। अगर आप प्रेसिडेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आज का ये सेशन देखना चाहिए आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप गीता के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी जुटाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? क्या हमें यूट्यूब वीडियो देखनी चाहिए? क्या हमें और चीजें देखनी चाहिए? क्या उसके बारे में आर्टिकल पढ़ना चाहिए या डायरेक्ट गीता पढ़नी चाहिए? आंसर इज वेरी सिंपल। गीता के बारे में जानना है तो गीता पढ़ो। वैसे ही अगर आप इंडियन पॉलिटी जानना चाहते हो, जिसका बेस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में घुसना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। स्टार्टिंग होती है आर्टिकल नंबर 52 से। आर्टिकल नंबर 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, कि हमारे इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा। अच्छा, होगा तो क्या करेगा? आर्टिकल 53 कहता है कि ये प्रेसिडेंट के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी और ये डिफेंस का हेड होगा। आप सबको पता होगा कि डिफेंस की जितनी भी फोर्सेस हैं उनका हेड प्रेसिडेंट को माना जाता है। ये लिखा हुआ आर्टिकल 53 में। और सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में रहती हैं, यानी कि अगर कोई लॉ पास करना है तो एग्जीक्यूटिव का एक्सेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए। ओके, अगर प्रेसिडेंट होगा और उसके पास इतनी सारी पावर्स भी होगी तो वो इलेक्ट कैसे होगा? ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 54 में, जहां लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की मदद से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस प्लस स्टेट असेंबलीज की मदद से एक इलेक्ट्रल कॉलेज बनेगा। उस इलेक्ट्रल कॉलेज के थ्रू हमारा प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा। ओके, हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक प्रॉपर इलेक्ट्रल कॉलेज बनाया जाएगा, लेकिन ये इलेक्शन का मैनर क्या होगा? हमें बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है ये सारी दी हुई है आर्टिकल नंबर है 55। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, हर एक वोटिंग की अलग वैल्यू होती है। ये सब अगर आपको समझना है इसके लिए अलग से वीडियो लेके आनी पड़ेगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हम आपको दे देंगे, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। ओके, अब हमने कर लिया इलेक्ट कर लिया हमारे प्रेसिडेंट को, तो उसके बाद क्या? तो हमें पता चलना चाहिए कि इलेक्शन के बाद कितने टाइम तक प्रेसिडेंट रहेगा। तो आर्टिकल नंबर 56 कहता है कि हमारे प्रेसिडेंट का जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 5 साल का रहेगा। 5 साल के बाद उनको रिजाइन करना पड़ेगा जब तक दूसरे प्रेसिडेंट आएंगे। बाय चांस उससे पहले निकालना हो तो क्या प्रोसेस है? तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, ये भी इसी में दे रखा है। ठीक है, इम्पीचमेंट नहीं है तो अगर प्रेसिडेंट खुद रिजाइन करना चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, ये भी आर्टिकल 56 में दे रखा है। आर्टिकल नंबर 57 में दे रखा है, मान लो प्रेसिडेंट ने अपना पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट किया है, उसके बाद क्या वो री इलेक्ट हो सकते हैं? यस, वो री इलेक्ट हो सकते हैं। अगर उन्होंने अपना टर्म ऑफिस पूरा किया है, उन्हें इम्पीच नहीं किया गया, तो वो री इलेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही ये जानना भी बहुत जरूरी है कि एक इलेक्ट होने के लिए एज अ प्रेसिडेंट आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो क्वालिफिकेशन लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 58 में, जिसमें बताया गया है कि आप एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो सकते अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, या फिर आप 35 इयर्स ऑफ एज नहीं हैं, या फिर आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, या आप किसी लोकल अथॉरिटी में किसी भी पोस्ट पर काबिज हैं, यानी कि आपके पास कोई भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑफिस है, तो आप प्रेसिडेंट बनने के एलिजिबल नहीं है। इसके लिए अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको रिजाइन वगैरह देना पड़ेगा और आपको एकदम फ्री रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर 59, जिसमें लिखा हुआ है कंडीशंस ऑफ वर्किंग एज अ प्रेसिडेंट। कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस बहुत साफ साफ हैं कि आप जब बनते हो प्रेसिडेंट तो आपको पहली बात तो अपने पार्लियामेंट की मेंबरशिप त्यागनी होगी अगर आपके पास ऑलरेडी है। अगर आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो आपको वो भी त्यागना पड़ेगा, यानी कि अगर आप जैसे प्रेसिडेंट थे हमारे रामनाथ कोविंद, वो पहले बिहार के गवर्नर थे, जब उनको प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया गया तो उन्हें बिहार की गवर्नरशिप पे रिजाइन देना पड़ा। ऐसे ही जो पहले मैंने बताया कि आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हैं तो उसकी मेंबरशिप से भी रिजाइन देना पड़ेगा। उसके लिए प्रणब मुखर्जी का एग्जांपल लिया जा सकता है, वो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जब उन्हें एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया तो उन्हें अपनी मेंबरशिप से रिजाइन करना पड़ा। इसके बाद आपको ये भी जानना है कि किसी भी तरह के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे आप नहीं रह सकते, और साथ में ये भी इसी आर्टिकल में बताया है आर्टिकल नंबर 59 में कि प्रेसिडेंट के अलाउंसेस और उनकी जो रेम्यूनरेशन है, यानी कि उनकी सैलरी है, अलाउंसेस है, वो सब उनके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते। बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट में लॉ लाया जा सकता है, चेंज करने के लिए भी पार्लियामेंट में लॉ लाया जा सकता है, लेकिन उनके कार्यकाल में चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज पार्लियामेंट लॉ लेकर आती है कि प्रेसिडेंट की सैलरी को थोड़ा घटाया जाए, तो जब तक रामनाथ कोविंद
हमारे प्रेसिडेंट है उनकी सैलरी नहीं घटेगी, जब नए प्रेसिडेंट आएंगे तब से वो कानून लागू हो पाएगा, ठीक है। और हमारे प्रेसिडेंट किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को बिना रेंट के यूज कर सकते हैं, और उनके जितने भी रेम्यूनरेशन हैं, अलाउंसेज हैं, जितनी भी यूसेज हैं, वो सब हमारे शेड्यूल 2 में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 2 में उनकी सारी रेम्यूनरेशन मेंशन है। और आर्टिकल नंबर 60 कहता है कि प्रेसिडेंट जब बनेंगे तो वो क्या ओथ लेंगे, उनकी पूरी ओथ जो है वो आर्टिकल नंबर 60 में लिखी हुई है। बाय चांस कोई ऐसा प्रेसिडेंट होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो उसको रिमूव करने का जो आर्टिकल है वो लिखा गया है आर्टिकल नंबर 61 में, जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज की इम्पीचमेंट से अलग होती है, तो अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के जज की इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होता। कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट है। क्या चीजें डिफरेंट है? प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आरोप में ही इम्पीच किया जा सकता है। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में ये लॉ लाया जा सकता है, बिल लाया जा सकता है, जिसे पहले हाउस में, पहली बात तो 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन करके 14 दिन का नोटिस देंगे पहले से ही कि हम ऐसा एक लेकर आने वाले इम्पीचमेंट का लॉ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। उसके बाद यहां पार्लियामेंट के उस हाउस में वोटिंग होगी जिसमें 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, याद रखिए मैंने मेंबरशिप बोला ना कि मेंबर्स प्रेजेंट एट द मोमेंट, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप अगर वोट करती है फेवर में कि हाँ इम्पीच कर देना चाहिए, तो ये जो बिल है ये मूव करेगा सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी कि क्या जो कॉज दिए गए हैं, क्या जो रीजंस दिए गए हैं वो सही हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट को भी बुलाया जा सकता है, उनसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। अगर इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि यस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो सच्चे हैं, तो ये बिल को भी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप के साथ पास करना पड़ेगा, और जिस दिन वो लॉ पास होगा उसी दिन से प्रेसिडेंट को इम्पीच्ड मान लिया जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट अपने यहां से हट जाएगा। अब अगर हट जाएगा तो वैकेंसी कहां से भरेंगे, तो ये पता चलता है आर्टिकल नंबर 62 में, जिसमें बताया गया है कि अगर नॉर्मल रेजिग्नेशन, नॉर्मल पूरा टर्म करके प्रेसिडेंट अगर रिजाइन कर रहे हैं तो उनकी टर्म खत्म होने से पहले पहले ही दूसरे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि एक प्रेसिडेंट के रिजाइन करते ही दूसरा प्रेसिडेंट उनकी जगह ले ले। अगर उन्हें रिमूव किया जाता है या उनकी डेथ हो जाती है या वो खुद ही रिजाइन कर देते हैं अपनी टर्म से पहले, तो क्या होगा? तो एज सून एज पॉसिबल आर्टिकल नंबर 56 के अकॉर्डिंग नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाना चाहिए, बट ये किसी भी हालत में 6 months को एक्सीड नहीं कर सकता, यानी कि मैक्सिमम टाइम 6 months है, मिनिमम टाइम एज सून एज पॉसिबल। अब हम बात करेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स की। एग्जीक्यूटिव पावर्स में प्रेसिडेंट की वो पावर्स आती है जिसमें उसके पास पावर है कि वो लोगों को अपॉइंट कर सकता है अलग अलग जगह पे। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, कैग ऑफिसर को अपॉइंट करता है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं। तो ये सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स कहलाती हैं और ये हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में दी गई है इन अकॉर्डिंग्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके साथ ही हमारे प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी लेजिस्लेटिव से रिलेटेड पावर्स भी हैं, जिन्हें लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। ये पावर्स जो हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं। किस तरह की पावर है? फर्स्ट, अगर हमारे पार्लियामेंट में कोई भी पार्टी मेजोरिटी क्लेम नहीं कर सकती तो हमारे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं, गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं। दोनों हाउसेस का एक जॉइंट सेशन बुलाना है तो ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। इसके अलावा राज्यसभा के 12 मेंबर्स जो अपने अपनी फील्ड में एफिशिएंट हैं, एमिनेंट हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, उनको नॉमिनेट कर सकते हैं टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा स्पेसिफिकली। इसके एग्जाम्पल आपको मिलेंगे सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, जया बच्चन, ये सब, इवन शबाना आजमी, ये सब राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं और ये सारे नॉमिनेटेड मेंबर हैं। इसके साथ ही एक और नियम था जो कि है दो लोग जो एंग्लो इंडियंस हैं उनको नॉमिनेट करना फॉर लोकसभा, बट रिसेंटली हमारे पार्लियामेंट ने लॉ निकाला है कि अब ये जो एंग्लो इंडियन वाला क्लॉज है ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है, तो इसे हटा दिया गया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, एंग्लो इंडियन वाला क्लॉज अभी नहीं है प्रेसिडेंट की पावर्स में, ये नॉमिनेट अभी नहीं होते हैं, ये इसी गवर्नमेंट ने किया है, यानी 2019 या 20 में जो इलेक्ट हुई है गवर्नमेंट हमारी, उसी ने ये क्लॉज लेके आए हैं कि हमें एंग्लो इंडियंस को नहीं नॉमिनेट करना।
प्रेसिडेंट का पॉकेट वीटो भी लेजिस्लेटिव पावर्स में आता है, जिसके अकॉर्डिंग वो किसी भी तरह के बिल को वापस कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट हाउस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिल है जो लोकसभा में या राज्यसभा में या दोनों में पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो उसे प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए वापस दे सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं बिना किसी नंबर ऑफ टाइम के या बिना किसी लिमिटेशन ऑफ टाइम के, एक्सेप्ट मनी बिल। ये आपको ध्यान रखना है, मनी बिल को प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है इफ इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। और उसके लिए टाइम पीरियड क्या होता है, अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि अगर लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में ही आता है मनी बिल, राज्यसभा में नहीं ला सकते, और अगर लोकसभा इसको पास करता है तो राज्यसभा को कितने टाइम में उसे पास करना ही पड़ेगा, वो है 14 डेज। उसके पास ये प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट के पास भी मनी बिल को पास करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद हमारे पास आती हैं प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, ये काफ़ी सिंपल हैं। क्या है ये, किसी भी तरह की अगर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है हमारी कंट्री में, तो तीनों सेनाएं जो हैं उनकी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथों में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर चाइना के साथ जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल है, इस केस में अगर हमारी गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू कोई एक इमरजेंसी का क्लॉज लेकर आती है या इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है, तो तीनों सेनाएं जो हैं वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को अब रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर भी बैठे होंगे, क्योंकि ही इज़ अ सुप्रीम लीडर, ही इज़ अ मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर, उनके नाम में ही प्राइम लगा हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर है वो। सो रूल इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर करेंगे, बट रिपोर्टिंग सारी प्रेसिडेंट के पास जाएगी, ताकि किसी एक पर्सन के पास रहे। तो हमारे जो अभी रिसेंटली एक नई पोस्ट बनाई गई है, वो कौन सी है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी, चाहे वो लोकल इमरजेंसी हो चाहे वो नेशन वाइड इमरजेंसी हो। इसके साथ हर एक स्टेट में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और इसके साथ ही अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी लगाई जाती है तो आपको पता हो वहां पे गवर्नर्स रूल लग जाता है। ये पावर, गवर्नर्स रूल लगाने की पावर, ये भी प्रेसिडेंट के हाथों में है। हालांकि ये भी पार्लियामेंट से अप्रूव होकर आता है, तभी प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, अपनी तरफ से डायरेक्टली नहीं लगा सकते। अगर कहीं पे फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो भी इसको रूल करने का जो पावर है वो भी प्रेसिडेंट के पास है। ये थी इमरजेंसी पावर्स। इन्हें जितना आसानी से आप सीख सकते हैं उतना ही आसानी से सीखने की कोशिश करें। हमारे पास अभी बचता है फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स में क्या है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सिर्फ वही मनी बिल लाने के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं, उनकी रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल लाया नहीं जा सकता। कंटिजेंसी फंड जो है उसमें से एडवांसेस करने हो, अगर मान लो कि कंटिजेंसी फंड से कुछ निकालना हो, तो वो सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आती हैं मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर्स का मतलब क्या है, एक तो मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि तीनों सेनाओं के हेड इन द केस ऑफ इमरजेंसी हमारे प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उसके अलावा मिलिट्री पावर्स ये हैं कि अगर किसी कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर करनी हो या किसी कंट्री के साथ पीस कंक्लूड करना हो, तो ये हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। इसके अलावा जो हमारी तीनों सेनाओं के हेड हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनकी अपॉइंटमेंट भी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। फिर आती है हमारे पास जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर्स में आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का काम हमारे प्रेसिडेंट का है, और पार्लियामेंट में प्रॉपर इम्पीचमेंट के लॉ के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की पावर भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है। इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट के पास है डिप्लोमेटिकल पावर्स। आप सबको ऑलरेडी पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर कोई फॉरेन डेलीगेट्स इंडिया में आते हैं, कोई ट्रीटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहली बात तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेसिडेंट सबसे आगे आते हैं। किसी भी तरह की ट्रीटी अगर किसी कंट्री के साथ होती है तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे साइन की जाती है, भले कोई भी साइन करे बट प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ही साइन करेगा। इसके अलावा अगर हमारे इंडिया से कोई रिप्रेजेंटेशन भेजना या कोई बाहर जाता है तो वो हमारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ही जाता है। इसी के साथ हमने पढ़ लिया प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स और प्रेसिडेंट की पावर्स। आई होप कि ये सब आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा। आप इसे एक स्टोरी वाइज पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, पहला लॉ प्रेसिडेंट होगा तो किस तरह का होगा, उसके बाद इलेक्शन कैसे होगा, टेन्योर कैसे होगा, लाइक इसे एज अ स्टोरी पढ़ोगे, ठीक है। रामनाथ कोविंद को प्रेसिडेंट बनाना है तो प्रेसिडेंट होना चाहिए, उसके बाद वो क्या कंडीशन होनी चाहिए, लाइक और बहुत ही इजी रह जाएगा आपके पास, ठीक है। पावर्स बहुत इजी हैं, पावर्स तो ऑलमोस्ट हम सारे बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए था या कुछ आपका छूट गया हो तो उसके लिए था। अगर आप कहेंगे तो पावर्स से रिलेटेड जो इनके आर्टिकल्स हैं मैं वो भी लेकर आ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा स्पैम करना होगा कि सर ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं।
क्योंकि देखिए अभी हम लाने वाले हैं बैक टू बैक बहुत सारे जीके के सेशंस, तो हम चाहते हैं कि वही सेशन लाएं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आने वाले होंगे या जिसकी डिमांड आप बहुत ज्यादा करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड कीजिए। इस सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद हम आपके लिए एक क्विज भी लेकर आएंगे। क्विज की डेट आपको हमारे कम्युनिटी पेज पे ऑलरेडी बता दी जाएगी एक या दो दिन पहले। आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। ये क्विज आपका नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में ही हो जाना चाहिए, इस बात की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको गुड लक फॉर योर स्टडीज, बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।